नमस्कार, आशा मेहता की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे बारिश का मौसम है, शाम को हल्की फुल्की भूख में तो सोचते हैं क्या बनाएं, तो मैं आज आपको पोहे के कटलेट्स बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बिल्कुल इजी है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगता हो या कुछ है। मुश्किल से 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आइए मैं बताती हूँ उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। ये देखिए, तो देखिए पोहे के कटलेट्स बनाने के लिए मैंने ये 1 कप पोहा, जिसको फ्लैटन राइस भी बोलते हैं, वो लिया है। और मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं। ये देखिए, उबाल कर मैंने इनको ठंडा कर लिया है। आप कोशिश करिए कि आप किसी भी डिश में या किसी भी चीज में आलू का मसाला बनाते हैं ना, तो आप उनको थोड़ी देर पहले उबाल कर पानी में से तुरंत निकाल दीजिए और ठंडा कर लीजिए। नहीं तो क्या है कि वो इतना पानी सोखते हैं कि मतलब हम किसी चीज में मैदा या सूजी हमें मिलानी पड़ती है तो वो बहुत सारा मिलता है और उसमें उसी का टेस्ट आता है। तो आप कोशिश करिए। और ये हरा धनिया लिया मैंने काट के 2 चम्मच के करीब। ये थोड़ा सा चाट मसाला लिया है, आप चाट मसाला ले लीजिए या अमचूर पाउडर ले लीजिए, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप ले सकती हैं। ये कुटी हुई मिर्च है, ये ऑरिगेनो है, ये हरी मिर्च कटी हुई, ये लाल मिर्च है, और ये मैंने नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट लिया है। ये मैंने थोड़ी सी येलो शिमला मिर्च और ग्रीन शिमला मिर्च काट के ली हुई है। और ये मैंने प्याज लिया है, 1 मीडियम साइज का प्याज है। ये थोड़ा सा हमने कॉर्नफ्लोर लिया है बाइंडिंग के लिए। और मैंने 1 गाजर ग्रेट करके ली हुई है। आपके पास जो भी वेजिटेबल अवेलेबल है आप उसमें डाल सकती हैं, आप मटर डाल सकती हैं, कॉर्न डाल सकती हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसमें डाल सकती हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो देखिए पोहा हमारा भीग चुका है, हमें इसी कंसिस्टेंसी का चाहिए। देखिए हाथ से दबाने पे ये अच्छा दब रहा है और हमें इसको बिल्कुल मैश करना है। और इसी टाइम पे हम इसमें जो आलू मैंने उबाल कर छील कर रखे हुए हैं इनको हम डाल देंगे। ये देखिए, इसको आप फोक से मैश कर लीजिए, अच्छे मैश हो जाते हैं। आप ग्रेट करना चाहें तो ग्रेट भी कर सकती हैं। ये देखिए हम इसमें अपने सारे आलू मिला देंगे और उसको अच्छी तरह से बाइंड करेंगे। ये देखिए, ताकि हमारा जो ये डो टाइप में हो जाए, जो ये हम बैटर बना रहे हैं। ये देखिए, इसको ऐसे मसलते हुए अच्छा चिकना कर लेंगे हम। ये देखिए देखिए, हाथ लगाने में ये अच्छा मुट्ठी में बन रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये परफेक्ट है। तो अब हम इसमें अपने वेजेस डालेंगे। ये देखिए, मैंने हरा धनिया जो 3 से 4 चम्मच काट के रखा हुआ है, इसमें हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है, कलर भी आता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और जो मैंने ये मीडियम साइज का प्याज बारीक बारीक काट के रखा हुआ है, हम ये डालेंगे। ये शिमला मिर्च येलो और ग्रीन, ये दोनों काट के रखी हुई है, हम ये डालेंगे। आप अपने मनपसंद वेजेस कोई भी डाल सकती हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। ये देखिए, मैंने एक छोटी मीडियम साइज की गाजर को ग्रेट किया हुआ है, इसका भी कलर बहुत सुंदर आता है और खाने में भी अच्छी लगती है। देखिए आप बच्चों के लिए बनाइए, तो इसी बहाने बच्चों के अंदर सब्जी भी जाएंगी। अब हम इनको मिक्स करेंगे और अब हम इसमें अपने मसाले में ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच के करीब हम अपने चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 चम्मच के करीब इसमें चाट मसाला डालेंगे, 1/2 चम्मच के करीब ओरिगैनो डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, क्योंकि नमक थोड़ा चाट मसाले में भी होता है, तो आप नमक थोड़ा संभल के डालिए। और हम इसमें अपना एक कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और इनको सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
आप इसमें मटर भी बॉईल करके डाल सकते हैं, कॉर्न भी डाल सकते हैं, आपके पास जो भी वेजेज अवेलेबल हैं, इसका कोई रूल नहीं होता। और आप इसमें से कुछ भी स्किप करना चाहें तो कर सकती हैं। जैसे आप छोटे बच्चों के लिए बना रही हैं तो हरी मिर्च मत डालिए, क्योंकि बच्चों को तीखी लगती हैं और नहीं खाते बच्चे शौक से। तो आप जो भी सब्जी डालना चाहें डाल सकती हैं, और जो भी स्किप करना चाहें कर सकती हैं। तो देखिए डो हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके नींबू के आकार के साइज के थोड़ा सा डो लेंगे और हाथ से इसको मसलते हुए इसको शेप देंगे। देखिए आप ऐसे हल्के हाथों से, क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका मटेरियल थोड़ा सा पतला है या इसमें, तो थोड़ा सा आप ब्रेड क्रम्स मिला सकते हैं, मैदा मिला सकते हैं। देखिए इस शेप में आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। आप एक बार हल्की फुल्की, जैसे भूख होती है शाम के टाइम, तो आप ज़रूर बनाइए बच्चों के लिए, बच्चों को बहुत अच्छे लगेंगे और इसी बहाने बच्चों में वेजेस भी जाएंगी। तो देखिए इस टाइप से बनाकर आप सारे तैयार करके रख लीजिए। तो देखिए हम इस टाइम गैस पे फ्राई पैन रख देंगे, नॉनस्टिक पैन है ये, और इसमें हम 2 चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे। आप ऑयल ज़्यादा मत डालिए क्योंकि हम शैलो फ्राई कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं डीप फ्राई करना तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसी इच्छा है। तो हम इस ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। जब हमारा ऑयल मीडियम गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अपने ये कटलेट्स डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें कटलेट्स डालेंगे। गैस को मीडियम लो कर दीजिए और इनको अच्छी तरह से नीचे से सिकने दीजिए, तभी आप इनको पलटिए। ये देखिए, आप थोड़ा थोड़ा इन पे ऑयल साइड से उठा के डालते रहिए गरम ऑयल, ताकि हमारे ऊपर से भी थोड़े थोड़े क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए, और इनको अच्छा सिकने दीजिए 2 से 3 मिनट तक, तभी आप इनको पलटिए, नहीं तो क्या है कि ये नीचे से चिपक जाएंगे और टूट जाएंगे हमारे ये कटलेट्स। तो आप एक थोड़ा सा हिलाकर देख लीजिए, ये देखिए, और आराम से इसको पलट दीजिए। अभी हमारे ये गोल्डन ब्राउन नहीं हुए हैं, तो आप इनको अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक नीचे से सिकने दीजिए। अच्छा, आप इनको चाहें तो इसके लिए इसको मैदे के घोल में डिप करके और ब्रेड क्रम्स लगाकर भी बना सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। आप जिस हिसाब से मर्जी बनाइए। देखिए हमारे कटलेट्स बनकर तैयार हैं। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे, फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमारे ये पोहा कटलेट्स बनकर तैयार हैं। आप इन्हें खूब मज़े से खाइए, बरसात के मौसम का आनंद उठाइए, साथ में चाय कॉफ़ी या जो भी आप लेते हैं आप बनाइए और उसके साथ खाइए। आप कोई किसी को खिलाएंगे तो कोई गैस ही नहीं कर पाएगा कि ये किस चीज़ के बने हैं। ऊपर से इतने क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, तो आप ज़रूर बनाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन भी जरूर दबाइए।
ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मेरे साथ जुड़े रहिए आशा मेहता की रसोई के साथ। बाय बाय, टेक केयर।